हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल रान स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम बाजू का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने बाजू का शेप काट लिया है। बाजू की लंबाई 5.5 इंच है और चौड़ाई 8.5 इंच है। देखिए, पहले हम अस्तर और बाजू को रखते हुए पहले सिलाई कर लेंगे। पहले हम बॉटम की सिलाई करेंगे और इसे हम पलट देंगे। तो देखिए, हमने पलट दिया है और अब हम इसे ऊपर से एक चाप सिलाई दे देंगे और इसी तरह हम पूरे बाजू पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हमने बाजू की सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हम एक बकरम का टुकड़ा लिए हैं। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई 4.5 इंच है। इसे हम एक ब्लैक कलर के कपड़े पर काट रहे हैं। आप कोई भी कलर ले लीजिएगा, दूसरे कलर का कपड़ा। और इसे देखिए, बचे हुए पार्ट को हम हल्का हल्का छापते हुए सिलाई करेंगे। तो देखिए, हमने सब चारों तरफ से पैक कर दिया है। तो देखिए, हम पहले बाजू का 20 सेंटर करेंगे और निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम इस पैटर्न को भी 20 सेंटर करेंगे। और निशान लगा लेंगे। तो देखिए, हमने निशान लगा लिया है। यहाँ 1/2 इंच पर मार्जिन रखते हुए हम सिलाई का भी निशान लगा लिए हैं। और ये जो साइड में दोनों निशान लगाए हैं उसी पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई कर लिया है। अब हम इसे काट देंगे बीच का भाग को और निकाल देंगे इसे काट कर। तो देखिए, हमने इसे काट कर निकाल दिया है। अब हर दोनों कोने पर थोड़ा थोड़ा कट का निशान लगाएंगे। थोड़ा कट लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम उलटेंगे। तो देखिए, हमने इसे उलट दिया अच्छी तरह से और अब हम इसकी सीधी तरफ करके सिलाई कर देंगे। हम देखिए, इसे सीधी तरफ कर लिया और एक एक सिलाई लगा कर हम इसे पहले अच्छी तरह से ठीक करेंगे। अब इसी तरह हम साइड में भी सिलाई लगाकर चाप लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ टुकड़े लिए हैं ब्लैक कलर के। वो ये 2.5 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी है। इसे हम त्रिभुज का इस तरह आकार देंगे और इसे सिलाई करते जाएंगे। सारे पीसेस को हम इसी तरह मोड़ लिए हैं, देखिए। और इसे नीचे बॉटम पर हम लगाना है। सबसे पहले एक बीच में लगाएंगे और 1-1 इंच के मार्जिन रखते हुए सारे पीसेस को लगाएंगे। यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर सारे पीस को लगा लिया है। यहाँ पर हमने 2 कलर का डोरी लिए हैं और इसे 1-1 डोरी करके लगाते जाएंगे। हमने यहाँ पर 2 कलर की डोरी ली थी। अब हम बीच में यहाँ गैप में मोती लगाते जाएंगे। 1-1 इंच की गैप पर मोती भी हम लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें लगाना है। दोनों मोती को हम एक ही साथ अटैच कर लेंगे और इसे 1-1 इंच की दूरी पर लगाना है। तो देखिए, हमने लगा लिया है। अब सारे त्रिभुज पर 1-1 मोती लगाएंगे और देखिए, इसे पीछे से इस तरह हम टाक देंगे।